वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टिया स्पीसीएस। जैसा कि उम्मीद थी और जो बताया जा रहा था कि यूपीपीसीएस का एग्जाम जो 21 जून को था वो उसके पोस्टपोन होने की नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा भी थोड़ी देर पहले ही यूपीएससी ने भी अपना नोटिस जारी किया था। तो ये जो यूपीपीसीएस है सेम कॉपी करता है यूपीएससी की। तो आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले यूपीएससी का है, फिर उसके थोड़ी मतलब 1 से 1.5 घंटे बाद यूपीपीसीएस ने भी अपना जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दिया। बहरहाल इसने डेट अपलोड नहीं की है, बट ये एक नोटिस जारी किया है जिस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो 21 जून को आपका एग्जाम होने वाला था वो स्थगित किया जाता है और उक्त परीक्षा की अग्रिम तिथि की जो सूचना है वो बाद में दी जाएगी। अभी तक मतलब सूचना नहीं दी गई है, सिर्फ ये उन्होंने बताया है कि स्थगित कर दिया गया है। अब कैलेंडर कब जारी होगा, देखिए बहुत ही जल्द ये कैलेंडर जारी हो सकता है। और नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो मैं आपको बताऊं, आपका ये बीईओ का एग्जाम है, आरओ एआरओ 2016 का एग्जाम अभी पेंडिंग पड़ा है, और अब ये 2020 का आपका पीसीएस का एग्जाम हो गया। उसके बाद आता है यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम। तो देखिए यूपीपीसीएस ये जो बीईओ का एग्जाम है, आरओ एआरओ है और ये प्री है। यूपीपीसीएस प्री में लगभग 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और इसमें इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जुलाई एंड तक। तो आप ये मान के चलिए जुलाई एंड तक आपके मेंस एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 5 से 6 लाख बच्चे बैठाने हैं और वहां पर आपको सिर्फ 5 से 6 हजार बच्चे बैठाने हैं। 5 से 6 हजार बच्चों को हैंडल करना काफी आसान होगा इंस्टीट ऑफ 5 से 6 लाख बच्चों को हैंडल करना। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बीईओ में, और उसके बाद हम बात करते हैं आरओ एआरओ 2016 की। देखिए तो अब ये चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं कि आरओ एआरओ 2016 में कंपैरेटिवली देखा जाए तो 2000 जो यूपीपीसीएस प्री है उससे काफ़ी कम बच्चे होंगे। तो एक चांस ये बन सकता है कि आपके मेंस के बाद आरओ एआरओ की डेट देखने को मिल जाए। तो जैसा कि यूपीपीसीएस ने नोटिस जारी कर दिया है कि उसका एग्ज़ाम जो होगा 4 अक्टूबर को बताया है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम होने के चांसेस एग्जाम है। तो यूपीपीसीएस क्या करेगा, 4 अक्टूबर के पहले या 4 अक्टूबर के बाद में अपना सितंबर अक्टूबर तक ये भी अपने डेट दे देगा। तो आप अपनी तैयारी रखिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं 8/1/2021 को आप लोगों का यूपीएससी का मेंस है, तो उसी टाइम के लगभग ये यूपीपीसीएस भी अपने मेंस का रखेगा। तो आप ये थोड़ा सा इससे अंदाजा लगा के चलिए कि आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा। और बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे कनेक्टेड। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थ्रस्टी आईएएस पीसीएस। थैंक यू।